सुभी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप सभी का इस नए थीम वीडियो के अंदर स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए फिर से MIUI 12 सपोर्टेड एक बिल्कुल ही नया और बिल्कुल ही बढ़िया सा थीम लेके आ चुका हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको ये MIUI 12 का नया थीम देखने को मिलने वाला है। तो चलिए गाइस, अभी पहले तो हम लॉक स्क्रीन से स्टार्ट करते हैं। लॉक स्क्रीन के अंदर आपको भर कर यहाँ पर कस्टमाइजेशन है वो देखने को मिलता है। जितना भी आपको UI चेंज है वो यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर दिया गया है। तो कुछ इस तरीके से गाइस आपको इस थीम के साथ लॉक स्क्रीन है वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं बढ़िया सा यहाँ पर आपको क्लॉक दिया गया है। साइड में यहाँ पर गाइस आपको जो कैलेंडर वगैरह है वो भी दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई बढ़िया सा फॉन्ट के अंदर आपको यहाँ पर मंथ और साथ में यहाँ पर डेट है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पर गाइस बात करें बैटरी आइकॉन की, तो भाई बैटरी के लिए भी अलग से यहाँ पर आपको एक टाइल देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको अगर वॉलपेपर चेंज करना है लॉक स्क्रीन का, तो यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन पर ही उसका ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आपको पहले 4 वॉलपेपर देखने को मिलेंगे। अगर आप यहाँ से स्विच करेंगे तो उसका जो लेआउट है वो चेंज हो जाएगा और कुछ इस तरीके से आपको नए 4 वॉलपेपर इसके साथ देखने को मिल जाएंगे। यानी कि टोटल 8 यहाँ पर आपको वॉलपेपर प्री इंस्टॉल देखने को मिलने वाला है। उसके बाद अगर आपको क्विकली ऐप को एक्सेस करना है तो यहाँ पर आपको उसके लिए भी ऑप्शन दिया गया है। 3 आपको बटन मिल जाता है, इसके अंदर आप अपने ऐप है उसको लगा सकते हैं। तो चलिए गाइस अभी होम स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको बढ़िया सा होम स्क्रीन है वो यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। अच्छे से आइकॉन यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमल लुक के अंदर यहाँ पर आपको आइकॉन वगैरह देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर गाइस लॉक स्क्रीन की तरह ही यहाँ पर आपको सेम वॉलपेपर का सपोर्ट मिलेगा, यानी कि नए 4 वॉलपेपर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पर डबल टैप लिखा है वहां पर डबल टैप करेंगे तो यहाँ पर आपके जो वॉलपेपर है वो चेंज हो जाएंगे, उसके बाद आप उसको यूज कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 वॉलपेपर आपको होम स्क्रीन के साथ प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर भी आपको एक बढ़िया सा क्लॉक फिट गेट है वो देखने को मिलने वाला है। अभी गाइस हम देख लेते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर। तो कुछ इस तरीके से आपको कंट्रोल सेंटर का जो लुक है वो इस थीम के साथ देखने को मिलने वाला है। उसके बाद गाइस अभी हम यहाँ पर सेटिंग और सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो सिस्टम का जो UI है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़िया सा यहाँ पर आपको अबाउट फोन के अंदर आइकॉन वगैरह देखने को मिल रहा है, कस्टमाइजेशन देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपको सिस्टम का जो UI वगैरह वो देखने को मिल जाएगा। और जहाँ तक बात है डायलर और मैसेजिंग ऐप की, तो मैसेजिंग ऐप कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलने वाला है। उसके बाद गाइस यहाँ पर बात करें वॉल्यूम UI की, वॉल्यूम रोकर की, तो उसके साथ आपको कोई भी कस्टमाइजेशन वगैरह देखने को नहीं मिलता है। अगर आपने MIUI 12 का लेटेस्ट बीटा रोम इंस्टॉल किया है तो आपको यहाँ पर लेटेस्ट जो वॉल्यूम UI आया है वो भी देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से गाइस आपको ये ओवरऑल थीम वो देखने को मिलने वाली है। अभी गाइस मैं आपको डार्क मोड अप्लाई करके भी दिखा देता हूँ, क्योंकि आप में से कई लोग डार्क मोड यूज ज़्यादा करते होंगे। तो जैसे ही आप डार्क मोड में स्विच करते हैं तो यहाँ पर कंट्रोल सेंटर के अंदर आपको कोई भी कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलता, कोई भी चेंज यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है। जो कुछ भी मिलेगा यहाँ पर आपको सिस्टम के अंदर देखने को मिलेगा, यानी कि सेटिंग के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटिंग के अंदर डार्क मोड के साथ ये थीम वर्क करता है। तो अगर आप चाहे तो डार्क मोड को भी इस थीम के साथ यूज कर पाएंगे। अभी गाइस मैं आपको ये बता देता हूँ कि कैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि भाई आप में से कई लोगों ने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इसका लिंक पर क्लिक कर लिया होगा और इस थीम का नाम भी सर्च कर लिया होगा, फिर भी आपको ये थीम नहीं मिला हुआ। तो इसका रीजन बस एक ही है, क्योंकि ये थीम इंडिया सपोर्टेड नहीं है, यानी कि इंडिया रीजन के अंदर नहीं अपलोड किया गया है। तो इस वजह से आप इंडिया के अंदर इसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। अगर आप इंडिया से हैं तो भाई डोंट वरी, आपको मैं डाउनलोड करने का तरीका बता देता हूँ। तो इसके लिए गाइस आपको मैं आपको पहले यहाँ से इसको ऑफ कर देते हैं। तो आपको सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग के अंदर गाइस आपको यहाँ पर एडिशनल सेटिंग में आना है, रीजन है वहां पर आपको यहाँ पर इटली टाइप कर देना है। यहाँ पर आपको इटली रीजन है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि इटली के अंदर ये जो थीम है वो अवेलेबल है। तो बस आपको इटली को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एक बार यहाँ से थीम स्टोर का डेटा है उसको क्लियर कर देना है। इससे आपका जो भी डाउनलोडेड थीम है वो नहीं जाएगा, तो डोंट वरी आप इसको क्लियर कर सकते हैं। अभी ये क्लियर हो जाने के बाद वापस से आपको इसको ओपन करना है।
यहां पर गाइस आपको सर्च करना है अभी थीम का नाम UI15 स्पेस करके यहां पर V12 आपको टाइप कर देना है। तो जैसे ही आप इसको टाइप करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं अभी ये थीम आ चुका है। तो अभी आप बड़ी आसानी से कोई सी भी रीजन से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे, इसके अंदर आपको कोई भी एरर वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से गाइस आप इस थीम को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको यूज कर पाएंगे। सो गाइस आशा करता हूँ कि आपको आज का थीम वीडियो पसंद आया होगा, ये थीम है पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपके कोई भी नए सजेशन है या फिर नए वीडियो के लिए रिक्वेस्ट है तो आप मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ट्राई करूंगा कि जल्दी से जल्दी वीडियो आपको दे पाऊँ। तो बस गाइस आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के अंदर। We'll be right back.